नमस्कार, मैं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं एसपीएन न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबर में। बड़ी खबर की शुरुआत इस वक्त हम कर रहे हैं पंजाब से। पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। खबर ये है कि आम आदमी पार्टी ने एक सर्वे करवाया है, जिसमें वो दावा कर रहे हैं कि इस बार पंजाब की जनता चाहती है कि आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बने और उनकी तरफ से ही जो सीएम का चेहरा है वो पंजाब में राजनीति करे, यानी कि पंजाब में जो सीएम होंगे वो आम आदमी पार्टी के होंगे। इसको देखकर कांग्रेस पार्टी ने सवाल खड़े किए और कांग्रेस पार्टी ने सवाल खड़े करते हुए आम आदमी पार्टी से सीधे तौर पर सवाल पूछ लिया कि आखिरकार ये सर्वे करवाए कहाँ गए, किसने किए हैं ये सर्वे और कौन कौन इस सर्वे में शामिल था। क्योंकि कांग्रेस पार्टी साफ तौर पर कह रही है कि पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है, आम आदमी पार्टी पंजाब के किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। और जिस तरह से देखा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी पंजाब की जनता को गुमराह कर रही है, सही नहीं है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। जी हां, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि पंजाब में जो गंदी राजनीति करने का काम आम आदमी पार्टी कर रही है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सवालों का जवाब जरूर आम आदमी पार्टी को देना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार।